शिक्षा मंत्री जी के क्या कहना, वो तो लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के समय वो होम डिलीवरी के प्रभाव बस कुछ बोल देते हैं। और हम लोग 50,000 कैंडिडेट को आतंकवादी बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे, आतंकवादी भी बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान हमारा अच्छा है, लेकिन उसे चलाने वाला इंसान भी अच्छा चाहिए हमें। हम लोग लाठी खा लिए, मार खा लिए, हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार थे। और आश्वासन शब्द से हम लोग को घृणा हो गया। हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग बहाली लेकर के यहाँ से जाएंगे। नीतीश कुमार, हाय 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 बीटेक सीटेट की बहाली जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। बीटेक सीटेट की बहाली जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। मुख्यमंत्री के अलावा हम लोग किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी आके यहाँ पे हमसे वार्तालाप करें। पटना के गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में टीईटी पास अभ्यर्थी, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। कल लाठीचार्ज हुआ, आज कैंडल मार्च निकलना है, कल मुंडन होगा, क्या कुछ और होने वाला है और क्या चाहते हैं ये और मुद्दा क्या है, ये हम चल के जानते हैं, इन लोग से बात करते हैं। आप मुझे जुलूम दें, हमें आपको नौकरी दिलवाऊंगा। नीतीश कुमार, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुशील मोदी, हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। मेरा नाम मुन्नी कुमारी हुआ, मैं छपरा जिला मसरक प्रखंड से बिलोंग करती हूँ। क्या है ये मामला, कब से आप लोग कब से ये बैठे धरने पर? सर हम लोग 2017 के बीटेट और सीटेट पास कैंडिडेट हैं, और 2017 में हम लोग पास किए। बहाली के लिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो सरकार का ये कहना था कि समान काम समान वेतन का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जब समान काम समान वेतन का मामला आ जाएगा उसके 10 दिनों के अंदर आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब समान काम समान वेतन का मामला आ गया, सरकार के पक्ष में मामला आया, उसके बाद आचार संहिता का हवाला देकर सरकार बहाली करने से हम लोग को टाल दी। जब आचार संहिता ख़त्म हुई तो फिर सरकार समायोजन की बात कहकर हम लोगों की बहाली की प्रक्रिया को टालने लगे। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है, बस सरकार की ये मंशा है कि किसी तरह से बहाली की प्रक्रिया को टाल मटोल करके और इन लोगों की जो 2 साल की वैधता तो खत्म हो ही गई है हम लोगों की सर्टिफिकेट की, और जो 2-4 साल है इसको भी खत्म कर दिया जाए, ठीक है। टीईटी पास 7 साल बैठता है, 7 साल बैठता है, तो आप ही बताइए। हम सरकार से, नीतीश सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग 40 साल के उम्र में स्कूल में जाएंगे अब शिक्षक बनने के लिए, ये 45, जिनका एज 32, 35, 37 हो गया है वो 5 साल कैंडिडेट वेट नहीं ना कर सकते हैं, तो उनको तो चाहिए कि हमारी बहाली शीघ्र हो। हम लोग 2017 से दर बदर रोड पे भटक रहे हैं, और जब हम लोग कल से 10 तारीख से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे, हम लोग सीएम हाउस का घेराव करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने हम लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां चार्ज की, लेकिन बिना एक भी महिला पुलिस नहीं थी, हम लोगों के साथ इतनी बर्बरता पूर्वक घसीट दिया गया रोड पर। हम लोग में मेरे कई साथी जो हैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जो पीएमसीएच में भी अभी एडमिट है, जिनका पैर टूट गया है, किसी का हाथ फट गया है, किसी के ब्रेन में चोटें आई हैं, हम लोग के महिला को कमर में चोट आ गई है, हम लोग गाली, इतनी अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया है हम लोग से, पुलिस प्रशासन हम लोगों को इतनी अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर रही थी, इतनी अभद्रता गाली दे रही थी कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी अनुशासन, पुलिस प्रशासन की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करते हुए भी हम लोग अनुशासित वर्ग से आते हैं, हम लोग एक समाज के कर्णधार होने वाले हैं, इसलिए सारी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ें, और एक भी पुलिस प्रशासन के ऊपर हम लोग अपने तरफ से कोई खरोच नहीं आने दिए। हम लोग लाठी खा लिए, मार खा लिए, हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मरने मिटने के भक्त से हम लोग यहाँ आए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन सरकार से हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों की नोटिफिकेशन को जारी करें और 1 से 8 तक की बहाली को जो 2017 में कैंडिडेट पास है शीघ्र ही शुरू करें, नहीं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन की हुंकार लगाएंगे और हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग बहाली लेकर के यहाँ से जाएंगे, चाहे हम लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़े।
चाहे आवरण अनशन करना करे, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, जो भी स्थिति से हम लोगों को गुजरना पड़े, हम लोग सारे कैंडिडेट एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए क्या क्या करना है अभी जैसे धरना पर है। धरना कल हम लोग को कल आज शाम में हम लोग कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम लोग अभद्रता, हम लोग एक देश के भावी कर्णधार टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम लोग अनुशासनहीनता नहीं दिखाएंगे अपनी। चाहे सरकार हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवा दे या फायर करवा दे या आंसू गैस छोड़वा दे, लेकिन हम लोग हिलने वाले नहीं। क्योंकि मेरे साथी जो इतनी प्रचंड गर्मी में, इतनी प्रचंड धूप में अपनी साहस का जो परिचय दे रहे हैं और इतनी यूनिटी हम लोग बरकरार रखे हैं, सरकार की यही मंसूबा है कि किसी तरह से इन लोग के यूनिटी को हम भंग कर दें। लेकिन हाँ, कल का हम लोग का प्रोग्राम है बाल मुंडन और भिक्षाटन और आमरण अनशन। आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे और देखते हैं कि सरकार कितने दिन तक अंधी बहरी गहरी सरकार सोई हुई रहती है, लेकिन हम लोग सरकार को जगाएंगे, बहाली ले करके जाएंगे। हम लोग 50,000 कैंडिडेट सीटेट और बीटेट 2017 में पास है और 2 लाख रिक्ति है, क्योंकि यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में हवाला दी है लिख करके कि इतनी 2 लाख पद रिक्त, 1,71,000 पद रिक्त है। जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाएगा हम 10 दिन के अंदर बहाली। शिक्षा मंत्री भी बोले थे, सुशील मोदी भी जब विपक्ष में थे तो बोले थे, को सारे नेता मंत्री ये बोल रहे हैं लेकिन किसी के कान तक की आवाज नहीं गूंज रही है। अभी तक हमारे देश सुशील मोदी जी को पता भी नहीं है कि 2017 में भी बिहार TET एग्जाम बिहार सरकार के द्वारा ली गई है और हम अभ्यर्थी रोड पे भटक रहे हैं। क्या ये सरकार क्या है, ये शिक्षा व्यवस्था की, बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है कि क्या बिहार की शिक्षा है और क्या यहाँ के शिक्षक और छात्र के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या यही स्थिति रही तो हमारा देश फिर से गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता है और हम लोग 50,000 कैंडिडेट को आतंकवादी बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे, आतंकवादी भी बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग समाज में मोरल गिराकर जीने से अच्छा है कि हम लोग आतंकवाद बन के लड़ के मर जाएं। अपनी मोरल गिरा के हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब ये कहने में भी हम लोगों को शर्म आती है कि हम लोग इस देश के भावी टीचर बनने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों की 2 साल से सब लोग यही पूछता है, तुम लोग की तो बहाली होगी ही नहीं, तुम लोग की तो बहाली होगी नहीं, 30 साल का जीवन तुम लोग बर्बाद कर दे, तुम लोग की तो बहाली होगी ही नहीं। हम लोग क्या जवाब दे, इस बेरोजगारी की मार इतनी हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग सरकार, हम लोग घर वालों को क्या जवाब दे, समाज को क्या जवाब दे, हर किसी की। आप बिहार की बेटियों को बाहर निकालें, पोशाक दिए, साइकिल दिए, सब कुछ किए, और जब बिहार की बेटियां पढ़ लिख करके अपने हक मांगने लगी तो आप उस पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। क्या नीतीश जी यही सरकार है आपकी, यही सरकार है, यही सुशासन की सरकार है आपकी, यही नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, यही भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। यही स्थिति आपकी रही तो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी। हम लोग कुर्सी देना चाहते जानते हैं तो हम लोग कुर्सी छीनना भी जानते हैं। अगर आप हम लोग की कुर्सी नहीं दे रहे हैं तो अब हम लोग क्या, आप लोग की कुर्सी तो, आपकी कुर्सी तो हम लोग जरूर छीन लेंगे, इतना तो हम लोग दावा कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी को जब नियमित बहाली करनी थी तो नीतीश कुमार जी बिहार TET एग्जाम क्यों निकाले? हम लोग तो कहने नहीं गए थे कि नीतीश जी वैकेंसी निकालिए, हम लोग उससे और आगे बेहतर करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने बहाली निकाल करके एग्जाम पास करा करके आज हम लोग को थप्पड़ मार रही है। हम लोग तो कहीं के लायक नहीं रह गए हैं, हम लोग तो पढ़ाई इससे ड्रॉ कर दिए कि चलो हम लोग एग्जाम पास कर गए, अब हम लोग की टीचर की नौकरी होगी, हम लोग आगे की जो हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे उसको भी हम लोग छोड़ दिए, तो अब हम लोग क्या करें? जब नियमित ही बहाली करनी थी तो आपने नियोजन क्यों किया, क्यों नियोजन की वैकेंसी निकाली? नीतीश जी सवाल का जवाब दें। हम लोग बिहार टेट 2017 अभ्यर्थी हैं और आज जब सुशील कुमार मोदी जी के तरफ से बुलाया गया कि आप लोग आइए और हमसे मिलिए, तो वहाँ पे जो हमारे कुछ साथी मिलने गए तो वहाँ पर उनका PA बोलता है, बात किए उनसे सुशील कुमार मोदी जी से, और उधर से जवाब आता है कि 2017 में भी टेट हुआ है क्या, मतलब बोलिए कि हम लोग जो, उनको ये भी नहीं पता है कि 2017 में भी टेट हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार यहाँ रोड पे सड़क पे बैठे हुए हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं पता है, जबकि सुशील कुमार मोदी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास हम लोग अपना लेटर वहाँ पे पहुँचाए हैं, यानी कि आप जो हमारा लेटर वहाँ पे गए, जो हम लोग ज्ञापन दिए वो उसको आप डस्टबिन में डाल दिए,
आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे कितने लोग पास किए हैं नहीं किए हैं। हमारा बस दो ही मांग है सरकार से, हमारी बहाली निकाले, और नहीं तो यदि वार्तालाप की बात होती है तो सीधे मुख्यमंत्री के अलावा हम लोग किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी आके यहाँ पे हमसे वार्तालाप करें और वो बोले कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम आपकी बहाली निकाल रहे हैं, इसके अलावा हमें और कुछ भी मंजूर नहीं, और यहाँ से हम लोग एक भी कैंडिडेट हिलने वाले नहीं है। जब तक हमारी वैकेंसी निकल नहीं जाती है तब तक हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सारा चीज जो होगा अमरनाथ अनशन तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे। धन्यवाद। अब हम लोग आश्वासन नहीं चाहते हैं, ये आश्वासन का खेल बहुत हो चुका है और आश्वासन शब्द से हम लोग को घृणा हो गया है। आप शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है, शिक्षा मंत्री ताला बंद करके घर से गायब हो जाते हैं, उनको डर है कि कहीं शिक्षा ये विद्यार्थी जो है हमारे घर पर धावा नहीं बोल देंगे। मैं ऋषिदेव कुमार मुंगेर से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अभी 2017 में TET पास किया हूँ और 2017 से मैं दोस्तों को, परिवार को, गांव में ये बताया था कि भाई अब तो हमारी नौकरी लग जाएगी, और वास्तव में इसीलिए हमने TET पास किया था। कोई भी व्यक्ति, आप पूछ सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति नहीं सोचा होगा कि हम TET पास करके दो साल बेरोजगार रहेंगे। मैं बोल दूंगा नीतीश जी से कि मुझे नहीं चाहिए नौकरी, लेकिन सिर्फ नीतीश जी अपना नार्को टेस्ट और नैतिक परीक्षा पास करके दिखा दे, मुझे नहीं चाहिए, मैं लिख दूंगा, ठीक है। और नीतीश जी ही नहीं, सिर्फ कश्मीरी नेता ही नहीं, पूरे देश के नेता को नार्को टेस्ट देना होगा आने वाले समय में। क्या समझते हो तुम? इस देश के जनता को बेवकूफ आप लोकतंत्र का नाम लेके नहीं बना सकते हो। संविधान हमारा अच्छा है, लेकिन उसे चलाने वाला इंसान भी अच्छा चाहिए हमें। हम लोग कल मुंडन भी करेंगे और इसके बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, निर्जल बैठेंगे हम लोग। मैं आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें सरकार से मेरी मांग के साथ साथ सरकार के सारे वादा खिलाफी का ये कच्चा चिट्ठा है, जिसमें मैं आपके सामने RTI जो आज सरकार कहती कि मेरे सामने भर्तियां नहीं है, रेशनलाइजेशन जैसे वो हथकंडा जो अपना देखे, आप सभी प्रमाण देखिए, जिसमें 2,00,000 रिक्तियां प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 में है, वो भी 2017, आज 2019 आ चुका है, यानी रिक्तियाँ कितनी है, ये सरकार की पहली। दूसरी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सर, उसके बाद जिसमें सरकार ने कहा है कि मैं 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहा हूं, 10 दिन पहले शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आप सभी की बहाली और समान काम वेतन फैसला हमारे पक्ष में आ गया है, और मैं 10 दिनों के अंदर कहता हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरीके से वादा खिलाफी उन्होंने किया है, हमारे पास काला चिट्ठा है, और मैं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार की धरती, भारत की धरती और पूरे विश्व में उनका ये भंडाफोड़ करेंगे कि किस तरीके से हम अभ्यर्थियों के साथ वादा खिलाफी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी की क्या कहना, वो तो लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के समय वो होम डिलीवरी के प्रभाव बस कुछ बोल देते हैं। इतना दिन से सबको ठगते आए कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग का बहाली करेंगे, 2,00,000 पद खाली है, 2,50,000 पद खाली है। इन सब बात को सुनते सुनते जो लोग जनरल कॉम्पिटिशन का भी तैयारी करते, लोग BED करने लगे, वो भी शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सारे लोग BED कर लिए, TET क्वालिफाई कर लिए, अभी भी दर दर का ठोकर खा रहे हैं। देखिए, संसाधन सब लोग का अधिकार, अगर सरकार की, जनता के टैक्स से ही राज्य चलता है, लेकिन उस नेता का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, इस राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। राज्य में संसाधन की कमी नहीं है। आप कुछ दिन पढ़े होंगे, हमारे सुशील कुमार मोदी जी कहे हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल से भी बिहार की स्थिति बहुत ही अच्छी है, मतलब जो हमारा राज्य की इकोनॉमिक स्थिति है कई राज्यों से अच्छा है, फिर भी आज हमारे राज्य में बेरोजगारी क्या असर है? सर एक बात बताइए, 2013 में बिहार SSC की फॉर्म भरा था, आज 2019 है। हम नीतीश कुमार जी किसके लिए बधाई देते हैं कि 6 साल में उन्होंने एक परीक्षा लिया। आप देखिए कितनी बड़ी हो कि 6 साल में जो एक परीक्षा हो उसमें 2 परीक्षा हो, 12 साल बराबर एक युग होता है। इस मुख्यमंत्री को हम बधाई देते हैं कि एक युग में अगर आप एक व्यक्ति को रोजगार देते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो सीना चौड़ा करके कहा जाता है कि मुझे तो वोट मिल रहा है, मैं सत्ता में आ रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए, अपने देश का 50% वोटिंग तो होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सत्ता में जो जा रहे हैं वो सिर्फ 30% लोग
वोट देते हैं उसी से सत्ता में जा रहे हैं। जिस रोज ये 70% जग गया ना तो 30% का क्या होगा, मतलब ये सरकार 30% के वोट से फूले नहीं, ये बहुत जल्दी 70% भी आपके पास आने वाला है कि क्या करने वाला है आप समझिए। तो ये टीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो 2017 में पास किए हैं, पहले तो नीतीश कुमार ने कहा था 2011 से पहले कि हर साल टीईटी की परीक्षाएं ली जाएगी, लेकिन हर साल टीईटी परीक्षाएं नहीं हो रही है। पहले 2011 में परीक्षा हुई, उसके बाद सीधे 2017 में हुई। 2017 में करीब 50,000 अभ्यर्थी पास किए, बहाली नहीं ली जा रही है। और वादा करके नीतीश कुमार, पहले तो उन्होंने वादा किया कि सबकी बहाली ली जाएगी, शिक्षा मंत्री भी यही बात बोले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शिक्षकों का एडजस्टमेंट किया जाएगा, जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से शिक्षकों को हटा के दूसरे जगह जहां शिक्षक कम है वहां एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह से नियम लाया जा रहा है जिसके खिलाफ टीईटी पास अभ्यर्थी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पटना में धरना दे रहे हैं, और इनका कैंडल मार्च है आज शाम में 7:30 बजे, उसके बाद कल मुंडन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन होगा। तो ये लड़ाई और ये आंदोलन बहुत लंबी चलने वाली है, और हम फिर आगे इस आंदोलन के बारे में आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, आगे भी इस तरह से हम आपसे जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएँ।